हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर आपको हमारे चैनल पे सक्सेस मंच पे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि कल मेंस आरओ एआरओ का रिजल्ट आ चुका है 2017 का, जिसका एग्जाम हुआ था 8 अप्रैल 2017 को। करीब 15,000 लोगों ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत से ऐसे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनको आप श्योरली हमारे साथ बने रहिए और उसे क्रैक करिए। हमारे चैनल पे आप लोगों को मेंस, प्री, मोटिवेशन, हर एक चीज़ से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, आपकी जो भी दुविधा है उसका समाधान करेंगे। कल जिन बच्चों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, प्री क्रैक किया है, उनके कमेंट काफ़ी मेरे पास आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बुक्स के बारे में, और हम क्या इस पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो मैं इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद पहले तो मैं सिलेबस आपको बताती हूँ कि आप लोग अब आगे क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। अब प्री से थोड़ा सा हटकर इसमें तैयारी होगी, प्री की तो तैयारी आपने की थी, लेकिन इस आरओ एआरओ का पैटर्न ऑलमोस्ट प्री के पैटर्न पर ही होता है। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है, बट थोड़ा सा इसमें हिंदी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है आरओ एआरओ में। और इसमें क्या क्या बुक्स पढ़नी है मैं आपको जो उसके एग्ज़ाम पेपर आ चुके हैं उसकी पीडीएफ भी दिखाऊंगी। तो इसमें ये चीज़ें आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम कैसे आता है, इसका पैटर्न क्या होता है, तो आप इसको देख के समझ पाएंगे कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और क्या सिलेबस होता है इस एग्ज़ाम का, मेन्स एग्ज़ाम का। यहाँ पर देखिए, जनरल स्टडी जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ये आपका प्री में भी होता है ये वाला पेपर। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं ये वाले, और ये वाले मार्क्स हैं। यहाँ पे ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जनरल स्टडी में 120 क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। इसमें आपको टिक मार्क करना होता है, चार ऑप्शन दिए होंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के, और उसमें आपको एक पिक को चूज करना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। मतलब कि ये जो पेपर है ये आपका सेम टू सेम प्री के जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि उसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 120 और मार्क्स भी 120 कर दिए गए हैं, वहाँ क्वेश्चनों की संख्या 140 और मार्क्स भी 140 होते हैं। इसका लेवल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसा लेवल होता है इनका। नेक्स्ट, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, इसका पेपर होता है, ये 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो होता है क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, इसका मैं पीडीएफ आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस का कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसकी। ये देखिए 100 मार्क्स का होता है, जो कन्वेंशनल पेपर होता है ये ड्राफ्टिंग होती है, मतलब कि पत्र लिखिए या सारांश लिखिए, किसी गद्यांश के प्रश्न उत्तर दे देंगे उसको करिए। और इसमें ये भी आता है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए, इंग्लिश से हिंदी, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी क्या क्या आता है। ये 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। ऐसे ही इसका पार्ट टू जो होता है, खंड ख, इसमें होता है जर्नल वोकेबलरी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्या आता है, ये 60 नंबर का पेपर होता है, ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, इसके अंदर 1.5 घंटे का पेपर होता है ये। थर्ड जो हमारा पेपर होता है ये होता है हिंदी एस्से का पेपर, हिंदी में ही एस्से लिखना पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन एस्से जो आपको लिखना है वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो मेन फोकस हिंदी मीडियम वालों के लिए किया गया है, क्योंकि हिंदी का पेपर आएगा आपका 200 नंबर का, एस्से का पेपर आएगा आपका 120 नंबर का, दोनों की वेटेज हिंदी में आएगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पेपर में। ये 3 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स के आएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टडी मेंस का जो सिलेबस है मैं आपको बता दूँ,
इसका सिलेबस और प्री का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा क्योंकि वो प्री था, ये थोड़ा सा मेंस है, तो लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो ये आप जो हमारी वन लाइनर जीके सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आरओ मेंस के भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने अलग अलग वन लाइनर की सीरीज बनाई है, तो आप इसमें वन लाइनर ही करना, क्योंकि आप प्री के लिए तो पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा सा उसे और मॉडिफाई करके थोड़ा सा और हाई लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और अगर जिसको अभी टाइम है, थोड़ा दो चार महीने का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब हो रहा है मेंस का, जैसे ही आएगा थोड़ी कोई भी खबर मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो मेंस का एग्ज़ाम है इसमें अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, तो जो मैं UPSC का मेंस पढ़ा रही हूँ GS 1, 2, 3, 4, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं ये चीज़, क्योंकि भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें, साइंस, जो विज्ञान है, ये सब सेम होता है ऑलमोस्ट। तो इसमें कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैं बुक्स भी पर्टिकुलर आपको बताऊंगी कि आप इन बुक्स में से ये मेंस के सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने जी जान से अपने आपके साथ आप फेयर रहे, अपने स्टडी के साथ कोई समझौता नहीं किया, तो आप मेंस बहुत आराम से क्रैक कर जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस ज़रूरत है आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 के अलावा कोई भी मंत्र नहीं होता एग्ज़ाम क्रैक करने का। तो चलिए, इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये अलग से स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो ये अलग से हमें तैयार करना पड़ेगा। और ये जो बता रही हूँ मैं पर्टिकुलर, इसमें मैं ये भी आगे बताऊंगी एनालिसिस करके कि किसमें से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कितने आएंगे, जैसे कि साइंस से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट ईयर कितने आए हुए हैं, इसका भी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगी। नेक्स्ट, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, आगे इसमें जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, जो कि सिर्फ भारतीय संदर्भ में करना है। ये नगरीकरण का जो टॉपिक है मैं अभी GS 1 में आपको कराने वाली हूँ शहरीकरण, तो आप उसमें से पढ़िए, उसमें मैंने डाटा भी दूंगी आपको, तो उसमें से आप इसमें तैयार कर सकते हैं। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की हमारी सीरीज चल ही रही है, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, वन लाइनर GK मैं साथ के साथ आपको दे रही हूँ। प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये जो है ये सारा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर मस्ट बी रीड। इसमें पूरे एक साल के आपको कम से कम करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। आजकल तो UPSC दो दो तीन तीन साल के पीछे की करंट अफेयर्स भी पूछ रही है, सॉरी UPPCS, तो आप लोग कम से कम एक साल के तो करके ही जाइएगा। इसके लिए हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, उसको भी देखते रहिए। मैंने अक्टूबर से शुरू किया, अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं उससे पहले से भी आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगी ये सीरीज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये सब आपने यूपी की प्री में जो पढ़ा था सेम वही पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आता है। इन सब की पर्टिकुलर कौन सी बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और उसके अलावा मैं गारंटी देती हूं, अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की तो आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बता दें कि खंड 1 जो होता है, जो हिंदी का पेपर है, परंपरागत होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आएंगे, ये 100 नंबर का होता है। इसमें देखिए गद्यांश दिया होगा आपको, उसका शीर्षक बताना होगा, सारांश बताना होगा, और कोई रेखांकित 3 सेंटेंस होंगे, तो उसके आपको व्याख्या करनी होगी उन सेंटेंसों की। ये मैं आपको पेपर दिखाऊंगी, आप उससे समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ करनी है। ये जो पेपर ये जो क्वेश्चन आता है ये 21 नंबर का आता है इसमें। तो गद्यांश को हमें जो करना होता है, इसकी व्याख्या, शीर्षक, सारांश, ये सब 21 नंबर में करना होता है। नेक्स्ट, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूपन में सार लेखन, ये भी आ सकता है। कुछ और भी जो सिलेबस में दिए हुए हैं ये सब भी आते हैं, ये 15 नंबर का आता है। नेक्स्ट, पत्राचार, कुल 3 प्रकार का पत्र ये हमें पढ़ना होगा, ये 24 नंबर का है। शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। हिंदी की हम लोग नई क्लासेस लेकर आएंगे, जो आरओ की हिंदी है उसको हम लोग जरूर कराएंगे। कुछ मेन ऐसे पॉइंट्स
और ये जो फॉर्मेट होता है ये मैं आपको बताऊंगी कि शासकीय अशासकीय कार्यालय आदेश इन सबका फॉर्मेट कैसा होता है और एक एक फॉर्मेट के एक एक नंबर होते हैं। अगर आपने एक फॉर्मेट इधर से उधर लिख दिया तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो हिंदी में इसी के मार्क्स होते हैं कि आपने फॉर्मेट कैसे लिखा है। नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली, ये 30 नंबर की आती है। इसमें अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आते हैं हमारे 30 नंबर के तीनों चीज़ें। तो ये भी मैं आपको अपनी सीरीज में कराऊंगी। हम लोग दे डिवाइड कर लेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी कब करना है, अंग्रेजी से हिंदी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अपनी वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। हिंदी की चिंता मत करिएगा, हिंदी हम लोग इसमें कवर करेंगे। जनरल स्टडी के लिए अब जो वन लाइनर जीके वो चल ही रहा है, डिस्क्रिप्टिव चल ही रहा है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। कंप्यूटर भी 10 नंबर का आता है, ये इसमें लिखना होता है आपको। खंड जो 2 होता है इसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ये 60 नंबर का होता है। ये प्री की तरह ही होगा, इसमें विलोम शब्द 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के। ये आपको क्लियरली मेंशन है कि 6 ही शब्द आएंगे या 12 नंबर के। तो इसमें आप पूरे 60 में से करीब 60 तो ले ही सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, कई बच्चों के 60 भी आए हैं, लेकिन आप 58 का टारगेट लेके चलिए कि हिंदी में इसमें आपको 58 लेके ही आने हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली कहा है वाक्य वर्तनी शुद्धि के 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के, एक शब्दों के अनेक शब्द 6 शब्द 12 नंबर के, तत्सम तद्भव 6 शब्द 12 नंबर के, शब्द विशेष्य विशेषण 6 शब्द 12 नंबर के। इसमें आप अपना टारगेट 58 मार्क्स का बना के ही चलिए, क्योंकि हिंदी में जो स्कोर कर गया उसकी रैंकिंग आनी पक्का है, मतलब कि वो फर्स्ट टॉप 10 में आ ही जाएगा जिसने हिंदी के पेपर में स्कोर कर लिया। दोनों हिंदी के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए हिंदी की चिंता मत करिएगा, हिंदी हम लोग यहाँ पे करवाएंगे अच्छे से। आगे निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध 120 अंक का आएगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे निबंध के ऊपर, मतलब कि 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में तीन तीन चार चार वो दिया होगा हमें कि उसमें से हमें चूज करना होगा, ऑप्शन दिए होंगे हमें, उसमें से एक निबंध करना होगा। प्रत्येक प्रश्न का एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में 3 निबंध लिखने होंगे। 3 क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन तीन चार चार ऑप्शन होंगे और 3 निबंध लिखने होंगे। यहाँ ऑलमोस्ट शब्द सीमा 600 शब्दों की होती है, यहाँ पर शब्द सीमा जो होती है एससी की वो 600 शब्दों की होती है। इसका भी फॉर्मेट मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं निबंध, एंड कैसे कर सकते हो, बीच में क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम 1-2 क्लासेस निबंध पे भी कर लेंगे हिंदी के। सबसे पहले हम हिंदी तैयार करेंगे कि हिंदी कैसे करना है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों को मैं विशेष वार्निंग दूंगी कि आप लोग हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करें, और हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो भी लाइटली ना लें हिंदी को कि हमें हिंदी आती है, हिंदी ही आप लोगों को धोखा देगी। तो हिंदी करना बहुत बहुत ज़रूरी है मेंस क्रैक करने के लिए। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या पेपर आता है, सिलेबस कैसा होता है, कितने मार्क्स के होते हैं। एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है और कौन सी बुक्स आप लोग पढ़ सकती हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बता देना चाहती कि आप कोई भी बुक मैं बता दूं और आप लोग पढ़ लें, पूरा रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि सिर्फ इतनी ही बुक आप पढ़ें और इसमें आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन डे 1 से आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी एनालिसिस ये पसंद आई होगी, और हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे कि आप इस दिन ये पढ़ें, इस दिन ये पढ़ें। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके मेंस क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो का आरओ मेंस क्रैक करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।